इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले जो भी इसके प्रीवियस पार्ट्स है पार्ट वन एंड पार्ट टू उसको रीड कीजिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ न्यू लेसन्स प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट द थर्ड पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एज यू नो जो सेल है वो सेल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। तो इसी वजह से जो भी कम्युनिकेशन है बिटवीन द सेल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम वो थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो इसी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ड्यूल फंक्शंस होते हैं। एक तो जो भी सेल के अंदर मटेरियल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर एनवायरनमेंट में लीक आउट नहीं होने देती, और एक फंक्शन होता है कि जो भी ट्रांसपोर्ट होना है, कोई भी एक्सचेंज होना है सेल के बीच में और एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम के बीच में, वो थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। सो देयर आर बेसिकली टू मीन्स ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू अ मेम्ब्रेन। वन इज पैसिवली बाय सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और सेकंड वन इज एक्टिवली बाय एनर्जी कपल ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। सो देयर आर सेवरल डिफरेंट प्रोसेसेस व्हिच आर नोन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम टू इंट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर मीडियम टू एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम। सो फर्स्ट वन इज डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड बाय प्रोटीन ट्रांसपोर्टर। सेकेंड इज सिंपल डिफ्यूजन विच में बी थ्रू लिपिड बैरियर और थ्रू एक्वस प्रोटीन लाइन चैनल्स। और थर्ड वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। अब हम पढ़ते हैं द एनर्जेटिक्स ऑफ सोल्यूट मूवमेंट। फर्स्ट हम पढ़ते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसके अंदर सब्सटेंस का मूवमेंट होता है फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू द रीजन ऑफ लो कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट। और जो भी ये कंसनट्रेशन डिफरेंस है जो फॉर्म हुआ था ड्यू टू हाई कंसनट्रेशन एंड लो कंसनट्रेशन, वो लास्ट में आते आते एलिमिनेट हो जाता है। डिफ्यूजन डिपेंड करता है ऑन रैंडम थर्मल मोशन ऑफ सोल्यूट्स, और वो एक एक्सर्गोनिक प्रोसेस होता है। एक्सर्गोनिक प्रोसेस क्या होता है, जिसके अंदर पॉजिटिव अमाउंट में एनर्जी का रिलीज होना फ्रॉम सेल इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम। सब्सटेंसेस का डिफ्यूजन थ्रू मेम्ब्रेन क्यों होता है, क्योंकि या तो वो सोल्यूट है जो पास हो रहा है वो डायरेक्टली पास कर सकता है थ्रू लिपिड बैरियर, या फिर वो सोल्यूट एक्वस पोर के थ्रू मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। फैक्टर्स जो डिटरमाइन करते हैं रेट ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ कंपाउंड थ्रू अ मेम्ब्रेन वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है पार्टीशन कोफिशिएंट। जितनी ज़्यादा लिपिड सॉल्युबिलिटी होगी सोल्यूट की, उतना ही उसका ज़्यादा पेनिट्रेशन होगा। सेकंड है साइज। साइज में क्या होगा, अगर सोल्यूट्स की जो पार्टीशन कोफिशिएंट है वो इक्वल है तो जो भी मॉलिक्यूल स्मॉलर है वो ज़्यादा पेनिट्रेट करेगा लिपिड बायलेयर से, और उसका जो ट्रांसपोर्ट है वो जल्दी होगा एज़ कम्पेयर टू लार्जर मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल स्मॉल हैं और अनचार्ज हैं उनका जो पेनिट्रेशन है वो रैपिडली होता है थ्रू सेल मेम्ब्रेन। इसी वजह से जो स्मॉल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक O2, CO2, NO और H2O, उनका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ज़्यादा जल्दी होता है क्योंकि वो हाई परमिएबल होते हैं थ्रू मेम्ब्रेन। जो मॉलिक्यूल्स लार्ज होते हैं और चार्ज होते हैं या फिर पोलर होते हैं सच एज शुगर्स, अमीनो एसिड्स एंड फॉस्फोराइलेटेड इंटरमीडिएट्स, वो सेल के थ्रू उनका जो पेनिट्रेशन होता है वो पुअर होता है। इसी वजह से जो लिपिड बायलेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है वो एक इफ़ेक्टिव बैरियर प्रोवाइड करती है ताकि जो भी ये शुगर है, अमीनो एसिड हैं, फॉस्फोराइलेटेड इंटरमीडिएट्स है जो एसेंशियल है सेल के लिए, वो सेल से बाहर ना निकल सके। डिफ्यूजन के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट कहाँ से होता है, वो मूव करते हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ लो सोल्यूट कंसनट्रेशन टू द रीजन ऑफ हाई सोल्यूट कंसनट्रेशन, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओस्मोसिस। एक प्रोसेस आता है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस के अंदर क्या होता है, अगर हम प्लांट सेल को हाइपरटोनिक मीडियम के अंदर रख दें तो उसका जो वॉल्यूम है वो श्रिंक हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल से अलग हो जाती है, जो भी उसका सेल ल्यूमन है वो श्रिंक हो जाता है। जो आयंस का डिफ्यूजन है थ्रू मेम्ब्रेन वो होता है विद द हेल्प ऑफ आयन चैनल्स। और जो ये एग्जांपल हैं वो गलत हैं, क्योंकि ये एटीपी पावर पंप्स होते हैं, इनके अंदर एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के अंदर क्या होता है, जो भी सब्सटेंस है जिसका डिफ्यूज़न होना है वो फर्स्टली बाउंड करते हैं विद
मेम्ब्रेन स्पेनिंग प्रोटीन्स, और जो भी ये मेम्ब्रेन स्पेनिंग प्रोटीन्स होते हैं वो सेलेक्टिव होते हैं, वो सिर्फ सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करते हैं। इसके बाद जो भी मॉलिक्यूल है उसका ट्रांसपोर्ट होता है। इसका एग्जांपल है GLUT ट्रांसपोर्टर, जो हम पहले कर चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं काइनेटिक्स ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, हाउ इट इज़ डिफरेंट टू सिंपल डिफ्यूज़न। सो देखो यहाँ पे ये जो ग्राफ है वो सिंपल डिफ्यूज़न का है। जैसे जैसे सोल्यूट कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होता है, जो रेट ऑफ सोल्यूट मूवमेंट है वो भी इंक्रीज़ होता है, बट वो एकदम से इंक्रीज़ नहीं होता, वो स्लोली इंक्रीज़ होता है, क्योंकि जो सिंपल डिफ्यूज़न है वो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, वो धीरे धीरे प्रोसीड करता है। जबकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के अंदर क्या होता है, एकदम से जो रेट ऑफ सोल्यूट मूवमेंट है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और एक टाइम के बाद जो मूवमेंट है वो कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो मूवमेंट है वो विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन होता है। नेक्स्ट आता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स एंड नर्व इम्पल्सेस। हर ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल स्टिमुलेशन के लिए रिस्पॉन्ड करता है, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इरिटेबिलिटी। जो नर्व सेल्स है वो स्पेशलाइज सेल्स होते हैं फॉर कलेक्शन, कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कोड होते हैं इन फॉर्म ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस। अब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वहाँ पे एक सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी से डेंड्राइट से वो एक्सटेंड करती हैं, और वहीं से एक्सॉन भी एक्सटेंड करती है। एक्सॉन पे माइलिन शीट प्रेजेंट होती है, एब्सेंट भी होती है कई न्यूरॉन्स में, नोड ऑफ रेनवियर भी प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं। तो जो ये न्यूक्लियस होता है वो लोकेट होता है इन सेल बॉडी, और ये वो साइट है जहाँ पर बहुत सारे जो मोस्ट ऑफ द मटेरियल कंटेंट्स हैं उनकी फॉर्मेशन होती है, जो भी इंफॉर्मेशन है जो कंडक्ट करनी है आगे उनकी फॉर्मेशन होती है। डेंड्राइट्स हैं वो रिसीव करती है अन इंफॉर्मेशन को फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज या फिर फ्रॉम डिफरेंट न्यूरॉन्स, अदर न्यूरॉन्स। एक्सॉन क्या करती है, वो एक्सॉन जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आई डेंड्राइट से उसको आगे ट्रांसफ़र करती है। एक्सॉन के टर्मिनल पर टर्मिनल नोड प्रेजेंट होता है, जो स्पेशलाइज साइट है जहाँ से इम्पल्सिस को ट्रांसमिट किया जाता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन और फ्रॉम वन न्यूरॉन टू टारगेट सेल। वर्टिब्रेट बॉडी के अंदर जितने भी न्यूरॉन्स हैं, मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स वो एक लिपिड रिच माइलिन शीट के अंदर रैप्ड होते हैं। नेक्स्ट आता है रेस्टिंग पोटेंशियल। एक वोल्टेज की फॉर्मेशन बिटवीन टू पॉइंट्स, टू पॉइंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, उनके बीच में वोल्टेज की फॉर्मेशन कब होती है, जब एक जगह पर पॉजिटिव आयंस है वो एक्सेस में हो और दूसरे पॉइंट पर जो नेगेटिव आयंस है वो एक्सेस में हो। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन वो नोट किया गया था 70 माइक्रोवोल्ट। जो मैग्नीट्यूड है -15 माइक्रोवोल्ट से -100 माइक्रोवोल्ट वो हर टाइप ऑफ सेल्स के अंदर मिलता है। जो न्यूरॉन्स हैं और मसल्स हैं उनमें इस मैग्नीट्यूड को -15 माइक्रोवोल्ट टू -100 माइक्रोवोल्ट उस मैग्नीट्यूड को हम कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। किसी भी वोल्टेज की जो डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस वो डिटरमाइन की जा सकती है बाय द डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ आयन ऑन आइदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन और उनकी रिलेटिव परमेबिलिटी कि वो किस कंसंट्रेशन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास हो रही है। जो सोडियम पोटेशियम ATPase पंप है वो सोडियम को सेल से बाहर भेज देता है और पोटेशियम को सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। इस वजह से एक स्टीप ग्रेडियंट की फॉर्मेशन हो जाती है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी सोडियम सेल से बाहर भेजा गया था वो आयन चैनल्स के थ्रू आगे की तरफ मूव कर जाता है, और जो भी पोटेशियम है जो सेल के अंदर भेजा गया था उसको सेल से बाहर ट्रांसफ़र किया कर दिया जाता है। इस वजह से क्या होता है, जो साइटोसोलिक साइड है मेम्ब्रेन की वहाँ पर एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज हो जाता है, फिर इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट फॉर्म हुआ वो क्या करता है, वो फेवर करता है रिटेंशन पोटेशियम आयंस की इनसाइड द सेल। और उसके बाद जो ये दो अपोजिंग फोर्सेस हैं, मतलब
जो इनसाइड ऑफ द सेल है और आउटसाइड ऑफ द सेल है वहाँ पर चार्ज की इक्वालिटी हो जाती है, जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है। उसके बाद जो पोटेशियम आयंस है उनका जो भी मोमेंट है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो नहीं होता। तो हम नर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करके मेम्ब्रेन पोटेंशियल को निकाल सकते हैं जो इक्विलिब्रियम पे हमें मिलती है। नेक्स्ट आता है एक्शन पोटेंशियल। जो एक्सोन होती है उसकी डायमीटर होती है 1 माइक्रोमीटर और वो इम्पल्सिस को कैरी करता है हाई स्पीड्स, जिससे वो इनेबल करता है जो मोलस्क स्क्विड है उसको रैपिडली एस्केप करने में फ्रॉम इट्स प्रेडेटर्स। जो एक्सोन की मेम्ब्रेन है वो स्टिमुलेट कर सकते हैं हम उसको बाय पोकिंग इट विद फाइन नीडल और बाय गिविंग इट इट्स स्मॉल इलेक्ट्रिकल करंट। और इससे क्या होता है, जो भी सोडियम चैनल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं और उससे लिमिटेड नंबर ऑफ सोडियम आयंस हैं वो सेल के अंदर डिफ्यूज़ हो जाते हैं। इससे क्या होता है, जो सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल थी वो रिड्यूस हो जाती है और वहाँ पर जो चार्ज था नेगेटिव वो कम हो जाता है। फिर इससे क्या हुआ, जो पोलैरिटी थी बिटवीन द टू साइड्स ऑफ मेम्ब्रेन, बिटवीन इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन एंड आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन, वो कम हो जाती है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। सो डीपोलराइजेशन क्या हुआ, सोडियम आयंस हैं वो सेल के अंदर आए, उससे जो नेगेटिव चार्ज था वो कम हुआ, जो मेम्ब्रेन पोलैरिटी थी पोटेंशियल थी वो कम हो गई, चेंज हो गई, और जो दो साइड्स थी मेम्ब्रेन की उनके बीच में जो पोलैरिटी थी वो डिक्रीज हो गई और इसको हमने कहा डीपोलराइजेशन। अगर स्टिमुलस मेम्ब्रेन को सिर्फ फ्यू मिलीवोल्ट तक चेंज करे, -70 से -60 मिलीवोल्ट तक चेंज करे, तो जैसे ही स्टिमुलस को सीज कर दिया जाए तो मेम्ब्रेन है वो जल्दी से अपनी रेस्टिंग पोटेंशियल को अटेन कर लेती है। पर अगर जो स्टिमुलस है मेम्ब्रेन को इस हद तक डीपोलराइज कर दे, थ्रेशोल्ड वैल्यू तक डीपोलराइज कर दे, तो वहाँ पर बहुत सारे न्यू इवेंट्स हैं वो लॉन्च हो जाते हैं। और जो थ्रेशोल्ड वैल्यू कहाँ तक होगी, -50 मिलीवोल्ट से कम तक उसको डीपोलराइज कर दे तो वहाँ पर न्यू इवेंट्स हैं वो लॉन्च हो जाते हैं। मेम्ब्रेन को जब थ्रेशोल्ड वैल्यू तक डीपोलराइज किया गया तो उस वोल्टेज चेंज की वजह से वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, जो सोडियम है वो सेल के अंदर मूव कर जाता है डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। इस पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट की वजह से मेम्ब्रेन के अंदर रिवर्स पोटेंशियल आ जाता है और जो वोल्टेज है वो हो जाती है +40 मिलीवोल्ट और जो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल होती है सोडियम आयंस की। 1 मिलीसेकंड के बाद सोडियम चैनल्स हैं वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं और जो भी फर्दर इन्फ्लक्स होना है सोडियम आयंस का वो ब्लॉक हो जाता है। इस वजह से जो भी मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर चेंज आया, जो भी रिवर्स पोटेंशियल हुई, उस वजह से वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयंस हैं चैनल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं और जो पोटेशियम आयंस हैं वो सेल से बाहर ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सो जो भी ये डिक्रीज परमिएबिलिटी हुई सोडियम आयंस के लिए और इंक्रीज परमिएबिलिटी हुई पोटेशियम आयंस के लिए, उससे जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो नेगेटिव वैल्यू के अंदर वापस चली जाती है, -80 मिलीवोल्ट तक चली जाती है, और जो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल होता है सोडियम पोटेशियम आयंस के लिए, उसके बाद जो लार्ज नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो क्या करती है, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स को वो क्लोज कर देती है और इन चेंजेस को हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। नेक्स्ट है प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एज एन इम्पल्स। जो एक्शन पोटेंशियल है एक्सोन के अंदर वो एक जगह लोकलाइज ना रह के अलोंग द लेंथ ऑफ द सेल मूव करती रहती है। तो ये मूवमेंट कैसे होता है, ये प्रोपगेशन कैसे होता है, जो सोडियम और पोटेंशियम चैनल्स हैं वो ओपन और क्लोज होते हैं बाय द सिग्नल प्रोवाइडेड बाय द अदर न्यूरॉन। जो दूसरा न्यूरॉन है जो भी इंफॉर्मेशन वो सेंड करता है उससे सोडियम और पोटेशियम चैनल्स हैं वो ओपन या क्लोज होते हैं। तो सोडियम आयंस हैं वो सेल के अंदर मूव कर जाते हैं अप टू द थ्रेशोल्ड वैल्यू, उसके बाद डीपोलराइजेशन होती है, उसके बाद उस एरिया की रीपोलराइजेशन होती है। और वो रीपोलराइजेशन कब होती है, जब जो पोटेशियम आयंस हैं वो सेल से बाहर मूव कर जाएं थ्रू द पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स। उसके बाद जो एक्शन पोटेंशियल है वो ऐसे ही अलोंग द लेंथ ऑफ द सेल मूव करती रहती है।
जितना ज़्यादा एक्सोन का डायमीटर होगा उतना ही वो कम रेजिस्टेंस होगा लोकल करंट फ्लो के लिए, और वो उतना ही ज़्यादा रैपिडली एक्शन पोटेंशियल है वो मूव करेगी फ्रॉम वन रीजन टू द नेक्स्ट एडजेसेंट रीजन। इवोल्यूशन के टाइम, वर्टिब्रेट्स के इवोल्यूशन के टाइम जो कंडक्शन वेलोसिटी थी वो इंक्रीज हुई जब एक्सोन को रैप किया गया माइलिन शीथ के अंदर, क्योंकि जो माइलिन शीथ है वो प्रिवेंट करती है पैसेज ऑफ आयंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जितने भी सोडियम आयन चैनल्स हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन के अंदर वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, नोड्स ऑफ रेनवियर के अंदर जहाँ पर माइलिन शीथ है वो एब्सेंट होती है वहाँ पर सोडियम आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, और वहीं पर वो साइट होती है जहाँ पर एक्शन पोटेंशियल है वो जनरेट होती है। क्योंकि यहाँ पर माइलिन शीथ एब्सेंट है तो यहाँ पर ईजिली आयन्स का एक्सचेंज हो सकता है, और जो ये एक्शन पोटेंशियल है वो एक नोड से दूसरे नोड पर जंप करती है, और इस प्रोपगेशन को हम कहते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो भी फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उनको प्लीज़ इस लेसन से पहले पढ़िए, और इसके बाद आपको इसका माइंड मैप भी मिलेगा, वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक होगा। थैंक यू।